दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में इंडिया की टीम ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता और उसके बाद IPL से रिलेटेड कुछ न्यूज निकल के आई जो कि हमने आपको अपनी इस वाली वीडियो में बताया ही था। साथ ही साथ अभी इंडिया की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज खेल रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में श्रीलंका के खिलाफ भी ODI सीरीज भारतीय टीम को खेलना है। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिकेट के दुनिया के 5 लेटेस्ट खबरों के बारे में, यानी कि कल इंडियन टीम से रिलेटेड कुछ खबरें निकल के आई और IPL के कुछ टीमों से रिलेटेड भी कुछ बड़ी खबरें निकल के आई हैं जो कि आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वरना IPL और क्रिकेट से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मिस करेंगे, तो इससे अच्छा है कि सब्सक्राइब करके जाएं। बात कर लेते हैं हमारे क्रिकेट यूनिवर्स की 5 बड़ी लेटेस्ट खबरों के बारे में और सबसे बड़ी खबर यह है कि गौतम गंभीर बन चुके हैं इंडियन टीम के हेड कोच। यह बात आप लोगों को शायद पता ही हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो आपको पता नहीं हो। तो गौतम गंभीर हेड कोच बन चुके हैं और ये साल 2027 तक इंडियन टीम के हेड कोच रहने वाले हैं। साल 2027 तक मतलब गौतम गंभीर के पास होगा भारत को 2025 का चैंपियन ट्रॉफी जिताने का मौका, 2025 का WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, उसके बाद 2026 में T20 वर्ल्ड कप और 2027 का ODI वर्ल्ड कप। तो ये 4 बड़े टूर्नामेंट है गौतम गंभीर के पास जिसमें ये इंडिया के टीम के हेड कोच रहने वाले हैं। और गौतम गंभीर जैसे ही इंडियन टीम के कोच बने तो यहां पे दूसरी बड़ी खबर निकल के ये आई कि गौतम गंभीर ने BCCI से बोला है कि अभिषेक नायर जो कि इनके साथ KKR में भी रह चुके हैं, उन्हें इंडियन टीम का बैटिंग कोच बनाया जाए और उसके अलावा विनय कुमार को चाहते हैं कि वो इंडियन टीम के बॉलिंग कोच बने। यानी कि गौतम गंभीर को पूरा वो अलाउ कर दिया गया है कि आप अपने हिसाब से सपोर्ट स्टाफ चूज कर सकते हैं और उन्हें अभिषेक नायर को एज ए बैटिंग कोच और विनय कुमार को एज ए बॉलिंग कोच इंडियन टीम में लाने के लिए बोला है। BCCI को इसके ऊपर कंफर्मेशन बहुत जल्द आ जाएगी। हालांकि मेरे हिसाब से अभिषेक नायर ऑलमोस्ट कंफर्म है कि इंडिया की टीम के बैटिंग कोच बनेंगे ही बनेंगे। तीसरी बड़ी खबर निकल के आई हमारे राहुल द्रविड़ से रिलेटेड। तो आपको बताइए कि ये इंडिया की टीम के हेड कोच थे, लेकिन अब ये हेड कोच नहीं है, गौतम गंभीर बन चुके हैं और ऐसे में KKR की टीम ने इनको अप्रोच किया है अपने नए मेंटोर के रूप में। 2024 के IPL में गौतम गंभीर KKR के मेंटर थे, अब वो हेड कोच बन चुके हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि वो गौतम गंभीर को रिप्लेस करके KKR के मेंटोर बन जाए। तो यहां पे यूनो रिवर्स हो जाएगा, गौतम गंभीर KKR से इंडियन टीम में जाएंगे और इंडियन टीम से राहुल द्रविड़ निकल के गौतम गंभीर के जगह पे आ जाएंगे। तो देखते हैं इसके ऊपर कंफर्मेशन क्या आता है। लेकिन बढ़ते हैं हम लोग मूविंग ऑन चौथे खबर की तरफ और चौथी बड़ी खबर ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में श्रीलंका के खिलाफ इंडिया की टीम को ODI सीरीज खेलना है, तो उस सीरीज में एल राहुल या फिर हार्दिक पांड्या, इन दोनों में से कोई एक खिलाड़ी इंडियन टीम की कप्तानी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि बड़े खिलाड़ी जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह इस सीरीज से रेस्ट ले सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में, और इसी वजह से हार्दिक पांड्या या KL राहुल हमें कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने हार्दिक पांड्या का फोटो क्यों लगाया है, वो इसलिए क्योंकि ज्यादा चांसेस हार्दिक पांड्या के हैं, इंडियन टीम के वाइस कप्तान हैं, T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो डेफिनेटली ही डिजर्व टू बी द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम इन द ODI सीरीज वर्सेस श्रीलंका। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवी बड़ी खबर के तरफ हम लोग चलते हैं जो कि है मोहम्मद सिराज रिलेटेड। हम सभी को पता है कि हाल ही में मोहम्मद सिराज इंडियन टीम का हिस्सा थे जो T20 वर्ल्ड कप जीता है और इसी वजह से तेलंगाना के CM ने मोहम्मद सिराज को गवर्नमेंट जॉब और एक रेसिडेंशियल प्लॉट देने का वादा किया है। यानी कि ये दो चीजें मोहम्मद सिराज को मिलेगा T20 वर्ल्ड कप जीतने की वजह से, जो कि आने वाले समय में इनको मिल जाएगा, इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो ये तो अच्छी खबर मोहम्मद सिराज के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है क्योंकि मोहम्मद सिराज को मिलेगा गवर्नमेंट जॉब और एक प्लॉट भी, तो सिराज भाई के लिए ये अच्छी खबर है। लेकिन ये एक न्यूज़ थी जो कि मैंने आपको बताया और ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देते हैं जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वहाँ पे तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारी खबर मिलेगी और आने वाले समय में हम आपको IPL 2025 रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ ला के देंगे। अगर आपका कोई फेवरेट टॉपिक हो तो कॉमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे और रिप्लाई भी आपको करेंगे। और मिलते हैं आपसे अगली किसी और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।